हे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चटपट टॉय टीवी। मेरा नाम है रयान। आज की वीडियो में मैं दो कार्स के बीच में फाइट कराने वाला हूँ। पहली कार है मिनी क्वाड एटीवी बाइक, दूसरी कार है मिनी ऑफ रोड क्लाइंबिंग कार। चलो दोस्तों, कराते हैं दोनों के बीच में फाइट, देखते हैं दोनों में से कौन जीत पाता है। लेट्स गो। तो भाई, दोनों ही कार्स को जो है फटाफट से पहले मैं अनबॉक्स करूंगा, उसके बाद चलेंगे बाहर दोनों के बीच में घमासान फाइट कराने के लिए। तो सबसे पहले मैं इसको अनबॉक्स करता हूँ, एटीवी क्वाड बाइक को। तो भाई, ये बाइक तो नजर नहीं आती यार कहीं से भी, पर इसको लोग बाइक क्यों बुलाते हैं अगर आपको पता है तो गाइस नीचे कमेंट करके फटाफट से मुझे जरूर बता देना। तो भाई, इसको जो है मैंने यहाँ से ओपन कर दिया है। ये है अपनी एटीवी क्वाड बाइक। तो भाई, इस एटीवी के साथ हमें बहुत सारी चीजें मिलती है, जैसे कि इसके अंदर इसका चार्जर और बैटरी है, शायद ये रहा इसका रिमोट कंट्रोलर, और ये है इसका जायरो सेंसर वाली वॉच। इस एटीवी को जो हम लोग इस वॉच से भी कंट्रोल कर सकते हैं, और ये रही इसकी 1200 mAh की बैटरी। तो भाई, अभी इसको अनबॉक्स करते हैं। ये एक मिनी ऑफ रोड रॉक क्लाइंबिंग कार है। मेरे पास इस तरह की एक बड़ी वाली ऑफ रोड क्लाइंबिंग कार भी है, कहीं पर भी आप चला लो, कोई भी टेरेन में चला लो, काफी बढ़िया तरीके से चल जाती है। तो भाई, ये जो है पूरी तरीके से 4x4 है। देखो, आ गई अपनी मिनी ऑफ रोड क्लाइंबिंग कार। काफी ज्यादा गजब का इसका लुक है। इसका रिमोट, और ये रहा इसका चार्जर, और ये रही इसकी मिनी बैटरी। तो भाई, सबसे पहले मैं आपको इन दोनों का साइज कंपेयर करके बताता हूँ। ऑलमोस्ट जो है दोनों सेम टू सेम ही है, पर ये जो अपनी एटीवी क्वाड बाइक है इससे थोड़ी हाइट में ज्यादा लग रही है, और इसके व्हील्स भी जो है इससे थोड़े से ज्यादा बड़े दिए गए हैं। बाकी साइज दोनों का बिल्कुल सेम टू सेम ही नजर आ रहा है। पहले बात करते हैं एटीवी क्वाड के बारे में। तो भाई, देखने में पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट नजर आती है। ऊपर अलग वाला ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक दिया हुआ है। यहाँ पर देखो गाइस, एक हैंडल भी देखने को मिलती है। यहाँ पर इसकी सीट है, यहाँ पर इसका बैटरी कंपार्टमेंट है, और ये पूरी तरीके से 4x4 है। क्वालिटी काफी अच्छी है इसकी। अभी बात करते हैं इसके बारे में। तो भाई, ये भी जो है बहुत ही अच्छी क्वालिटी की कार है, और सबसे खास बात इसके अंदर देखो गाइस, सस्पेंशन भी लगाए गए हैं। यहाँ पर है इसका बैटरी कंपार्टमेंट, पूरी तरीके से एजाइल व्हील्स है। यहाँ पर भी लाइट्स जैसा कुछ डिजाइन दिया हुआ है, पर ये लाइट्स नहीं है। अंदर की तरफ काफी अच्छा लुक दिया हुआ है इसके अंदर। देखो, ड्राइवर है, को ड्राइवर है, और स्टीयरिंग भी पकड़ के रखा है ड्राइवर। नीचे की तरफ यहाँ पर दो मोटर्स है, यहाँ पर दो मोटर्स है। इसके अंदर भी मैं आपको दिखा देता हूँ यार, यहाँ पर तो पूरी तरीके से इन लोगों ने पैक करके रखा है। यहाँ पर भी दो मोटर्स है, यहाँ पर भी दो मोटर्स लगाई गई है। उसका रिमोट जो है बिल्कुल सेम टू सेम साइज का ही नजर आ रहा है, थोड़ा सा ये बड़ा है। इसके अंदर और एक्स्ट्रा बटन्स दिए हुए हैं, इसके अंदर भी एक्स्ट्रा बटन्स दिए हुए हैं, ताकि ये जो कार है हम लोग साइड बाई साइड भी चला सके, क्योंकि इसके अंदर अजाइल व्हील्स लगे हैं। क्वालिटी जो है इसकी काफी ज्यादा बढ़िया लग रही है। पीछे की तरफ दोनों के अंदर दो दो डबल बैटरीज डालनी होती है। तो भाई, अपनी एटीवी क्वाड बाइक के अंदर हमें इस तरह की एक जायरो सेंसर वाली वॉच मिलती है। इस वॉच से हम लोग इसको पूरी तरीके से कंट्रोल भी कर सकते हैं। बैटरीज मैं आपको दिखाऊं, बैटरीज के अंदर जमीन आसमान का फर्क है। ये देखो गाइस, 1200 mAh की है, ये सिर्फ 500 mAh की बैटरी दी गई है। तो ओवरऑल स्पेसिफिकेशंस के मामले में और साइज के मामले में ये जो है थोड़ी सी तगड़ी नजर आ रही है। तो चलो दोस्तों, अभी चलते हैं बाहर, दोनों के बीच में कराते हैं फाइट, देखते हैं कौन है सबसे ज्यादा पावरफुल, कौन है सबसे ज्यादा फास्ट। लेट्स गो। तो भाई, मैं आ चुका हूँ बाहर। सबसे पहले एटीवी को टेस्ट करते हैं। तो भाई, इसको मैंने ऑन कर लिया। देखो गाइस, क्या ही आवाज आ रही है यार इसके अंदर से। तो सबसे पहले इसका जायरो सेंसर मैं आपको टेस्ट करके बता देता हूँ। ओ भाई, क्या ही कंट्रोल हो रही है, देखो गाइस अपनी एटीवी। तो भाई, ये चीज इसके अंदर मेरे को काफी ज्यादा बढ़िया लगी। इसका जायरो सेंसर जो है काफी गजब तरीके से काम करता है। जिस तरह का जेस्चर आप अपने हाथ से देते हो, उसी तरह से ये कार जो है कंट्रोल भी हो जाती है। तो भाई, रिमोट से यहाँ पे मैं कंट्रोल करके दिखा रहा हूँ। देखो, काफी गजब तरीके से रिमोट से भी ये ऑपरेट हो सकती है। तो यहाँ पर मैंने डेमो भी आपको दिखा दिया है। तो अभी अपनी क्लाइंबिंग कार को भी टेस्ट कर लेते हैं। देखो गाइस, रिमोट से ये काफी अच्छी तरीके से काम कर रही है, और रिमोट में बिल्कुल भी कोई भी लैग देखने को नहीं मिल रहा है, और साइड बाय साइड भी काफी गजब तरीके से चल जाती है। और भाई, यहाँ पे देखो ये किस तरह से रोटेट हो रही है, और स्लो मोशन में तो क्या ही गजब दिखाई दे रही है। तो भाई, इसको देखो यार, इसका जो है ना रोटेशन कुछ अलग ही दिखाई देता है बॉस। तो यहाँ पे दोनों के बीच में होगा स्पीड टेस्ट, देखते हैं कौन जीत पाता है। तो भाई, यहाँ पर एटीवी जो है थोड़ा सा आगे ही चल रही है। ओके, तो यहाँ पे मेरे को लग रहा है दोनों के बीच में टाई हो चुका है, दोनों में से कोई भी यहाँ पर जीत नहीं पाया। तो भाई, यहाँ पर इसके पीछे मैंने बांध दी है बग्गी, तो इसको बहुत ही आसानी से खींच के लेके जा रही है अपनी एटीवी। तो अभी यहाँ पर है क्लाइंबिंग कार की बारी, तो क्लाइंबिंग कार भी इसको बहुत ही आसानी से खींच के लेके जा रही है। यहाँ पर भी दोनों के बीच में हो चुका है टाई। तो भाई, यहाँ पर देखते हैं ये एक दूसरे का वेट कैरी कर पाती है कि नहीं। तो भाई, अपनी एटीवी जो है क्लाइंबिंग कार को बहुत ही ईजी तरीके से कैरी करके लेके जा रही है, इसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई।
तो यहाँ पर क्लाइंबिंग कार भी जो है एटीवी को कैरी कर रही है, तो भाई बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। यहाँ पे होगा पुश बैक, देखते हैं कौन जीत पाता है। ओ भाई इसको तो इसने जो है पूरी तरीके से पटकनी दे दी है। दूसरी बार ट्राई करते हैं, यहाँ पर देखते हैं कौन जीत पाता है। ओ भाई यहाँ पे देखो गाइस क्या ही ट्राई कर रही है अपनी क्लाइंबिंग कार, पूरी तरीके से इसने जो है इसको पीछे ढकेल दिया है। तो यहाँ पर होगा टग ऑफ वार, यहाँ पे पता चलेगा कौन जीत पाता है। तो भाई यहाँ पर दोनों के बीच में टाई लग रहा है मेरे को। नहीं नहीं गाइस यहाँ पर देखो अपनी जो एटीवी है इसको पूरी तरीके से घसीट के लेके जा चुकी है। तो यहाँ पर होगा विली, देखते हैं कौन सही तरीके से विली मार पाता है। तो यहाँ पे मेरे को लग रहा है एटीवी जो है काफी गजब तरीके से विली मार सकती है। तो भाई यहाँ पर होगा दोनों के बीच में ऑफ रोड टेस्ट। यहाँ पर बहुत सारी ग्रास है, इसके अंदर मैं एटीवी को चला रहा हूँ, इसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई चलने में, और अपनी क्लाइंबिंग कार को भी कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है, काफी अच्छी तरीके से ऑफ रोड में चल रही थी। तो भाई इसके सामने देखो इतना बड़ा एक पत्थर आ चुका है, और पत्थर आने से भी ये बिल्कुल भी रुकी नहीं है, काफी आसानी से पत्थर को इसने पार कर दिया है। तो भी एटीवी के सामने भी बहुत बड़ा पत्थर आ चुका है, तो यहाँ पर एटीवी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि यार इसकी जो है ना ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी सी कम है। तो यहाँ पर छोटे पत्थरों पर ये ठीक ठाक ही चल जाती है, जैसे ही इसके सामने बड़े पत्थर आने लगते हैं तो इसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लग जाती है, इसके व्हील जो है वहीं पर ही घिसने लग जाते हैं। तो भाई इसको देखो यार कितने भी पत्थर रख लो गाइस इसके सामने, इसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, काफी आसान तरीके से ये रॉक्स पर भी पार कर लेती है। तो भाई यहाँ पर होगा दोनों के बीच में क्लाइंबिंग टेस्ट। तो यहाँ पर देखो गाइस, ओ भाई ये यहाँ पर फंस चुकी है, तो यहाँ पर आगे मूव नहीं हो रही है। तो क्लाइंबिंग कार को भी टेस्ट कर लेते हैं, नाम में ही क्लाइंबिंग है तो ये इसको बहुत ही इजी होने वाली है क्लाइंब करने के लिए। तो दोनों के बीच में देखो गाइस लाइट्स, यहाँ पर एटीवी के अंदर बहुत ज्यादा लाइट्स दिए हुए हैं, और अपनी क्लाइंबिंग कार के अंदर एक भी लाइट हमें देखने को नहीं मिलती है। तो भी दोनों जो है काफी अच्छी तरीके से 360 डिग्री रोटेट भी मार सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो। तो भाई दोनों के बीच में देखो मैं यहाँ पर डेमो बटन प्रेस करके आपको बताने वाला हूँ। दोनों का जो डेमो बटन है काफी अच्छी तरीके से काम करता है, और कार जो है अपने आप ही काम करने लगती है जैसे आप डेमो बटन दबाते हो। तो भाई इसका सस्पेंशन देखो काफी अच्छी तरीके से काम भी करता है, और जहां तक बात करूं मैं अपने एटीवी के अंदर सस्पेंशन तो दिए गए हैं, पर ये सस्पेंशन सही से काम नहीं करते हैं। पीछे इसके मैंने बांध दिया है एक बहुत ही बड़ा ट्रक, ये इसको खींच रही है पर ज्यादा दूर तक नहीं खींच के लेके जाएगी, तो इसका दम यहाँ पर निकल चुका है। तो ये देखो गाइस क्लाइंबिंग कार कितना ज्यादा जोर लगा रही है इसको खींचने के लिए, पर इसे हो नहीं पा रहा है, क्योंकि यार पीछे जो ट्रक मैंने बांधी है बहुत ही ज्यादा भारी है। तो जहां तक बात करूंगा इस क्लाइंबिंग कार की, इसके अंदर सस्पेंशन दिए गए हैं, तो इसको आप कोई भी टेरेन में चला लो काफी अच्छी तरीके से चल जाती है इसके सस्पेंशन के कारण। जहां तक बात करूं मैं एटीवी की, एटीवी के अंदर बहुत ही बड़ी बैटरी मिलती है और बहुत ही ज्यादा बड़ी मोटर मिल जाती है, इस वजह से इसके अंदर पावर बहुत ही ज्यादा दी गई है। दोस्तों आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आपको एटीवी पसंद है या फिर क्लाइंबिंग कार, दोनों में से कौन सी कार अच्छी है, नीचे कमेंट करोगे फटाफट से अभी कभी। तो चलो अभी मैं दे देता हूं शॉर्ट। सबसे पहला नाम आ जाता है मेहर, मुरलीधर, ओजस्वित, मजीन सिद्दीकी, विनायक, अभिज्ञान, जितेंद्र, सावन, दानिश, सहन कर। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट, कमेंट करने के बाद आपका नाम भी जरूर से टाइप कर देना दोस्तों, ताकि मैं आपको ही शाउट आउट दे सकूं। नेक्स्ट वाली वीडियो में भी मैं 10 लोगों का नाम सेलेक्ट करूंगा जो भी आप अच्छे से कमेंट करेंगे और इस वीडियो पर लाइक करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में और इसी तरह धमाकेदार आरसी कार फाइट्स के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों।